यही देश में आज एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। अमृतसर के संत निरंकार बाबा आश्रम में एक बहुत ही बड़ा हमला किया गया है ग्रेनेड से, जिसमें लोगों के मरने और घायल होने की भी सूचना है। इस समय हम लोग खड़े हुए हैं वाराणसी के संत निरंकार आश्रम में, और हमारे साथ इस समय मौजूद है यहाँ के अधिकारी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या वाराणसी में इस तरीके के कोई हालात हैं, और अगर हैं तो सुरक्षा की क्या व्यवस्था की जा रही है। मुन्ना लाल, इस आश्रम की क्या इम्पोर्टेंस है सर? इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य है भाईचारा, आपस में मिलवर्तन, यही आश्रम का मुख्य उद्देश्य है। आज एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है सर, जिसको लेकर के आश्रमों में, संत निरंकार आश्रमों में जो है वो चीज़ें काफ़ी उथल पुथल हो चुकी हैं। क्या सुरक्षा की कोई व्यवस्था वाराणसी में की जा रही है? सुरक्षा की व्यवस्था आने वाले कल में किया जाएगा, अभी तो हमारे सेवा दल के स्वयंसेवक ही सारी सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हैं। तो क्या वाराणसी में जो ये आश्रम है, इसमें आयोजन भी होते होंगे? कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जिसमें आयोजन होते हैं? हाँ, रविवार को विशेष आयोजन 10 से 12:30 निरंकारी सत्संग होता है। इसके बाद प्रातः 7 से 8 प्रतिदिन होता है, और मंगलवार सायंकाल 6 से 7:30 होता है। आयोजनों में काफ़ी लोग आते हैं, तो क्या इन लोगों की सुरक्षा को लेकर के जिला प्रशासन से कोई सुरक्षा की मांग करने की कवायद है? हाँ, जिला प्रशासन से हमारे यहाँ के मुख्य प्रबंधक आदरणीय श्री रमाशंकर शुक्ला, उनके माध्यम से ये आगे जिला प्रशासन से सहयोग लेने का पूरा कोशिश किया जाएगा। अगर जिला प्रशासन सहयोग कर सकेगा तो मुबारक है, वरना हमारे सेवा दल के महात्मा ही काफ़ी सक्रियता से और चौकसी के साथ इसकी सुरक्षा में अपने आप को सम्मिलित करेंगे। संत निरंकार आश्रम के जो सेवा दल के सदस्य हैं उनको सुरक्षा में लगा दिया गया है, हालांकि सरकार से और जिला प्रशासन से भी सुरक्षा की मांग करने की कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि आश्रम को ऐसा लग रहा है कि अगर अमृतसर में ये हमला हो सकता है तो वाराणसी पीएम का संसदीय क्षेत्र होने के कारण भी लोगों की नज़र में आ सकता है। अर्णिमा द्विवेदी, ईटीवी वाराणसी।